जातिवाद का भाषण देता है उसको तुरंत पकड़े और गांव से बाहर निकाल दे। अपनी राजनीति भाषा के करना हमारे बीच नहीं। वो एक हिंदू मुसलमान करने वाले नेता ने आपके बीच आके किसी गरीब की मदद की नहीं ना। फिर आपने गांव के अंदर तुम सारे एकता बना लो, सर्व जाति के अंदर एकता बना लो। अगर कोई भी नेता आपके बीच आके जातिवाद की बात करता है, जातिवाद का भाषण देता है उसको तुरंत पकड़े और गांव से बाहर निकाल दे। अपनी राजनीति भाषा के करना हमारे बीच नहीं। वो एक गारंटी और देता हूँ, अपने गांव में आपके गांव में जितने गरीब है, जितनी गरीब कन्याएं हैं, जितने बेरोजगार हैं, आप सब मिलके अपना बेटा अपना भाई अपनी बेटी समझ के उसकी मदद करने की कोशिश करें। मैं वादा करता हूँ आपको जिंदगी में कभी किसी नेता के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको बहुत बढ़िया तालियां बजाएं, बहुत बढ़िया। अभी ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने जिन 200 व्यक्तियों की शादी कराई एक की भी जाति धर्म का नहीं पता। ऐसा ही मेरा भाई है तारा नगर राजस्थान से, जिसका नाम है निजाम पवार, जाति से मुसलमान, 17-18 हिंदू बहनों के कन्यादान और शादी करवा चुका। मेरी टीम से मुझे गर्व महसूस होता है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख मेरे को यही नहीं पता मैंने किस किस की शादियां करवा दी, किस किस का मैं भाई बन लिया। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने एक दूसरे भाईचारे पर विश्वास बना लो कि टीवियां न देखना बंद कर दो, इनकी मत सुनो। इस गंदी राजनीति गंदी तंत्र से बाहर निकल के जो आपके काम आपके बालक आपके बेटे आपसे सीख रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा दो। उनको अच्छी शिक्षा दोगे तो मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में उनको पता लग जाएगा कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, हम हिंद के बेटे हैं, हम सब इंसान हैं। इंसान इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या कभी आप लोगों ने जब हॉस्पिटल में आप तड़पते हो, आप मरते हो, आपको रक्त की खून की जरूरत हो, उस खून वाले से पूछा जो आपको खून देता है, बेटा आपकी क्या मेरे वाली जाति है? मेरे वाली जाति है तो मेरे को रक्त देना और ना मना मत देना। क्या आपने किसी इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछा है आपकी जाति क्या है? उस वक्त को आप कर रहते हो रोते हो, हे भगवान हे मेरे मालिक हे अल्लाह मेरे को बचा ले, कैसे न कैसे करके मुझे बचा ले। उस टाइम को आपको भगवान अल्लाह याद आता है। हो सकता है मेरे सम्मानित पुत्र मेरे को नहीं जानते हो, आपके बच्चे आपके बेटे ने समाज सेवा करते हुए यानी कि जवानी की अवस्था में आए हुए 11 साल लगा यानी कि 10 साल से घूमना फिरना शुरू किया। उस 10 साल के अंदर मैंने 200 गरीब बेटियों की शादी करवाई है, 25 उन बहनों के बात भरे हैं जिनका भाई नहीं था, 1300 उन परिवारों को बसाया है जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था, 124 से 25 आंदोलन सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए लगे हैं, लगभग 27 करोड़ रुपए की नगद मदद की है। और मैं आप लोगों को बताता हूं ये हिंदू मुसलमान ये चीजें मेरे को तो पता ही नहीं कहां से आई कैसे आई क्यों आ रही है। सरकारें आप लोगों का मूर्ख बनाती है, अपना वोट बैंक बनाती है। आपके क्या आज तक कोई हिंदू मुसलमान करने वाला काम आया? आज तक क्या किसी एक भी नेता ने आपके बीच आके हिंदू मुसलमान करने वाले नेता ने आपके बीच आके किसी गरीब की मदद की नहीं ना। फिर आप लोग क्यों मूर्ख बन रहे हो? सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं मैं खाली बातें नहीं करता। जो मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा दानी ये जो मदद में आप लोगों को गिनवा रहा हूं उस हरेक मदद में पिछले 5 साल से ये मेरा भाई मेरे साथ है। सबसे पहले पुलवामा जो हमला हुआ था उसके दौरान शहीदों की याद में हमने कुश्ती दंगल करवाया था जिसमें विश्व के बाहर देश के भी पहलवान आए थे, उसमें मेरा भाई मेरे साथ था। रही मददों की बात बहन बेटियों की बात, गोहाना के पास दो गरीब हमारी मुसलमान समाज की बहनें
ना तो उनका भाई था ना पिता था। एक रिक्शा में बैठ के बूढ़ी औरत आती है, बेटा सिर्फ आपसे उम्मीद है, मेरे घर के अंदर आने से डर रही। मैंने उनको देखा, मैं बोला माता जी अंदर तो आजा, चाय पानी तो पी ले। उसका पहला ही जवाब यह था, बेटा मैं जाति से मुस्लिम हूं। मैं बोला फिर क्या हुआ? मैं आपको माता जी कह रहा हूं तो आप मेरी माँ हो, अंदर आओ। जबरदस्ती उसको अंदर लेके आया, मैंने उसको 15 मिनट बैठाया। 15 मिनट के बाद उसके अंदर का डर निकला। फिर उसके एक हफ्ते के बाद जब मैं उनके घर गया, उनके पाटने पर उस बहन का भाई बन के खड़ा हुआ, उन दोनों बहनों का कन्यादान किया, उन दोनों बहनों का आपकी जुबान में बोले तो निकाह, हमारी जुबान में बोले तो शादी करवाई। तब उसकी माता जी की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, बेटा मैं तो इसलिए डर रही थी क्योंकि जो आपका समाज, आप हिंदू समाज से आते हो, मैं एक मुसलमान समाज से आती हूँ, हम हर रोज ये टीवी देखते हैं, ये खबरें सुनते हैं, इन खबरों के कारण हमारे को डर लगने लग गया इन चीजों से। सच्चाई तो ये है, हिंद के दो बेटे, हिंदू और मुसलमान, सबसे ताकतवर बेटे हैं, लेकिन मूर्ख वे हैं जो अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। मैं गारंटी देता हूं, आप किसी नेता का भाषण मत सुनो, आप टीवी मत देखो, अगर कहीं भी हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा हो, मैं ये कहता हूं सरेआम चौक के बीच मेरे को जूत मारना आके, कहीं भी कोई भी लड़ाई नहीं है,